आईफोन SE के प्राइस में एक मेजर ड्रॉप आ चुका है और एप्पल को भी पता चल चुका है कि इनकी ये मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि ये आईफोन 8 के बराबर आईफोन SE लॉन्च कर रहे हैं बस एक प्रोसेसर को बढ़ाकर, जो कि अब नहीं चलेगा। अब देख सकते 128 का प्राइस 34,999 हो गया। अभी भी इसका प्राइस जो है ठीक है, बट इसको अभी 2022 में खरीदना बहुत ही बेकार चॉइस होगी। अगर आपने इसको खरीदने की चॉइस रख ली है तो ICICI के साथ 2000 का डिस्काउंट है और Amazon एक्सिस बैंक के कार्ड के साथ थोड़ा और कम डिस्काउंट मिल रहा है, बट स्टेट बैंक और HDFC के साथ नहीं मिल रहा। फिंगरप्रिंट तो हमें मिल रहा है, बट इसका क्या करें जो इसकी डिस्प्ले इतनी छोटी है। अब ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है 2022 में, और जो इसका प्रोसेसर है वो बहुत कैपेबल है, बट प्रोसेसर ही अकेला फॉर्म फैक्टर नहीं होता जो कि इसको खरीदे। आजकल 20-25 हज़ार के फ़ोन में भी चार्जर मिल रहा है, वो भी 67 वाट का। ये तो चार्जर भी नहीं दे रही, ना ही इसमें कोई AMOLED डिस्प्ले है, और इसका प्राइस भी अभी 40,000 के ऊपर है। बट इसको खरीदने से पहले एक बार आप जरूर सोच लें।